आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 6 रेखीय असमीकाएं लिनियर इनइक्वलिटीज की प्रश्नावली 6.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसके अंतर्गत देखिए हमको दो चरीय रेखिक असमीकाओं के बीजगणितीय हल करना है, ठीक ना। तो अब देखिए बीजगणितीय हल या ग्राफिकल हल भी करना है, ठीक ना, ग्राफीय हल भी करना है इसको, ठीक ना, ग्राफीय हल है ना, ग्राफ पर इसको दिखाना है, ग्राफीय हल है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमको अर्धतल के बारे में सीखना है, ठीक ना, अर्धतल क्या होता है, ठीक ना, या इस प्रकार भी इस लिखते हैं अर्धतल, इसको बोलते हैं हाफ प्लेन, ठीक ना, हाफ प्लेन। तो हमको पहले हम पढ़ लेते हैं पहले कंसेप्ट ऑफ हाफ प्लेन, ठीक ना, क्या होता है इसमें। तो देखिए एक तल हम लोग बना लेते हैं, देखिए ये है एक्स अक्ष, है ना, ये है वाई अक्ष, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ठीक ना। अगर हम इस पर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा अगर खींच दें यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ रखिए, यहाँ खींचिए, कहीं भी खींच देते हैं, तो इस ये जो रेखा है इसको इस पूरे तल को दो बराबर भागों में बांट दिया, ठीक ना, दो आधे आधे भागों में बांट दिया, ठीक ना। अब उसका इस रेखा के इस तरफ को बोलेंगे दायां अर्ध तल, ठीक ना, इसको बोलेंगे राइट हाफ प्लेन। इसी प्रकार इसके इधर बायां हो गया, तो लिखेंगे बायां अर्ध तल, या इसको बोलेंगे ये लेफ्ट में है, लेफ्ट हाफ प्लेन, ठीक ना। आप यहां पे खींच दीजिए, तो यहां खींच देंगे तो ये दायां ये बायां हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार कोई ऊर्ध्वाधर रेखा इस तल को दो भागों में बांट देती है, तो बोले देखिए राइट एंड लेफ्ट, ठीक ना। यदि कोई ऊर्ध्वाधर रेखा अगर ना हो तो जैसे देखिए ये तल है, देखिए ये तल बना लिया, इसमें एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ठीक ना। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं चाह तो मान लिया यहाँ से खींच देते हैं, इस प्रकार ऐसे खींच दिया मान लिया, ठीक ना, ये रेखा कहीं से भी जा सकती है ऐसे तिरछा, तो ये नॉन वर्टिकल लाइन बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए जो तल है वो तल अब देखिए राइट लेफ्ट में नहीं बटा है, ये अपर लेफ्ट हाफ अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन में बटता है। देखिए इस रेखा के इसके उस ऊपर की तरफ को बोलेंगे ऊपरी अर्ध तल, ठीक ना, इसको बोलेंगे अपर हाफ प्लेन, ठीक ना, और इसके इधर वाले को बोलेंगे लोअर, ठीक ना, ये पूरा लोअर है, ये पूरा लोअर पार्ट में आएगा इसके, ठीक ना, ये लोअर हाफ प्लेन, ठीक ना, इसको बोलेंगे निचला अर्ध तल, ठीक ना। तो ये आपको कंसेप्ट आ गया होगा अर्ध तल के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए इसमें आपको लोगों को लग रहा होगा कि देखिए हम जैसे कि यहाँ लाइन खींचे तो इसके इधर ये दायां हुआ इधर बायां हुआ, मतलब यहाँ से आप सोच रहे हो कि ये बराबर बराबर हुआ, ये मतलब हुआ मैंने इससे थोड़ा सा दूर पर खींचा है तो बराबर कैसे हुआ, ठीक ना। तो देखिए क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से और ये देखिए इस तरफ अनंत दूरी होती है, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये अनंत दूरी है, ठीक ना, एक्स अक्ष अनंत दाई तरफ अनंत की तरफ जाता है, ठीक ना, इधर बाई तरफ भी अनंत की तरफ जाता है, ये ऊपर अनंत नीचे अनंत, तो अगर मैं यहाँ से दूरी गिनूँ तो ये अनंत है, ठीक ना, और अगर मैं यहाँ से फिर यहाँ तक की भी दूरी अगर देख लूँ तो ये भी तो अनंत ही दूरी हुआ, ठीक ना। तो इस प्रकार यहाँ से अनंत दूरी है, यहाँ से अनंत दूरी है, तो इस प्रकार ये तल दो बराबर भागों में बट गया, है ना। तो जो इसका दाई तरफ है उसको दाई तरफ दायां अर्धतल और इसको बायां अर्धतल बोले,
ठीक ना। तो इसलिए इस तरह कहीं भी आप लाइन खींचिए, वो तल को दो भागों में ही विभाजित करेगा। इस प्रकार हमने यहाँ खींचा, आप चाहें तो यहाँ भी खींच दीजिए, ठीक ना। तब भी ये इस तल को ऊपरी अर्धतल हो जाएगा, ये निचला अर्धतल हो जाएगा, ठीक ना। दो बराबर प्लेन में डिवाइड कर देता है, ठीक ना। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ हाफ प्लेन हो गया। अब देखिए इस पर किसी भी असमिकाओं का ग्राफ कैसे बनता है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए 40x प्लस 20x लेस देन इक्वल टू 120, ठीक ना, ये लिख लिया हमने। अब देखिए इसका क्या कर ले हैं, इसमें 20-20 से भाग दे लेते हैं, तो जगह 20 दूनी 40, 20 एक कम 20 और ये 20 6 आएगा, ठीक ना, ये लिख लिया, ठीक ना। अब देखिए अगर हम किसी भी समीकरण के हल की बात करें कि किसी भी समीकरण का हल क्या होता है, या अगर ये असमीका है तो इसका हल क्या होगा, ठीक ना। तो हम इसमें देखिए हम इसको लिखते हैं मानों का ऐसा समुच्चय। देखिए जैसे हम लोग हल कर रहे हैं ना, तो पहले हल के बारे में भी जानना चाहिए कि हल क्या चीज़ होता है। तो देखिए मानों का ऐसा समुच्चय जो दिए गए असमिका को या कथन को कहिए, ठीक ना, ये स्टेटमेंट है एक तरह से, दिए गए कथन को सत्य करे या सत्य बनाए, ठीक ना। सेट ऑफ वैल्यू, देखिए सेट ऑफ वैल्यूज विच मेक ट्रू ऑफ गिवेन स्टेटमेंट, ठीक ना, दिए हुए कथन को सत्य करे, ऐसे मानों के समुच्चय को हम हल कहते हैं, ठीक ना, इसी को हल बोलते हैं या सॉल्यूशन बोलते हैं। और मानों का समुच्चय है इसलिए हम बोलते हैं इसको हल समुच्चय है, ये हल समुच्चय है, ठीक ना, सॉल्यूशन सेट बोलते हैं इसको, ये हो गया सॉल्यूशन सेट, ठीक ना। अब देखिए जैसे एक तो समीकरण ले लेते हैं हम लोग, यही वाला लेते हैं, इसको हम बराबर करके लिख लेते हैं, 2x प्लस y, सॉरी ये y है, दो चर में है ना, ये y होगा, ये y, ये हो गया y और ये y बराबर ये 6, ठीक ना। अगर मैं इस समीकरण का, देखिए बराबर इसलिए हम इसको समीकरण बोल रहे हैं, ये असमिकाएं हैं, अगर इसका मान ज्ञात करें हम, ठीक ना, तो देखिए हम एक तो सिंपल सेट मान ज्ञात कर लेंगे, एक्स ये वाई, ठीक ना। अगर मैं एक्स का मान 0 रख दूं तो वाई का मान कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक ना। इसी प्रकार अगर वाई का मान 0 रख दूं तो एक्स का मान कितना आएगा, ये 3 आएगा, ठीक ना। तो ये क्या प्राप्त हो रहा है हमको, ये हमको हल प्राप्त हो रहा है, इस समीकरण के ये हल हैं, ठीक ना। तो अब देखिए हमने दो हल ज्ञात कर लिया, अब जरा इसको हम ना ग्राफ पर देखते हैं इसको। देखिए जैसे ये रहा एक्स और वाई अक्ष बनाया, एक्स अक्ष ये वाई एक्सिस, ठीक ना। देखिए लिखा है 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। देखिए पहले 0 6 है, तो x का मान 0 और y का मान 6, मतलब ये आपको पॉइंट मिला है ना, तो ये हो गया 0 और 6, ठीक ना। ये हो गया 3 0, ये है 3 0, तो ये हो गया हमको देखिए 3 और 0, ठीक ना। अब यहाँ इन दोनों बिंदुओं से होता हुआ एक हम एक रेखा खींच रहे हैं, तो देखिए इस समीकरण से हमको, देखिए रेखीय समीकरण है तो किसी भी प्रकार का एक चर हो चाहे दो चर का रेखीय समीकरण हो, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, एक सीधी रेखा मिलता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें हमने देखिए दो हल ज्ञात किया था,
ठीक ना, एक 0.6 और ये 3.0। तो ये इस समीकरण के हल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हल हमने ज्ञात किया वो इसको संतुष्ट कर रहे हैं, है ना, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ x का मान और y का मान रखूँ तो दोनों तरफ बराबर बराबर आएगा, ठीक ना। अब क्या देखिए, हमने तो दो निकाला, क्या इसका और भी कोई मान हो सकता है क्या? तो देखिए, इस रेखा पर जितनी भी बिंदु होंगे वो सभी इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक ना। और चूंकि एक रेखा पर अनंत रेखाएं, अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए इस समीकरण के अनंत मान हो सकते हैं, ठीक ना। जैसे अगर मैं यहां पर एक और बिंदु कोई ले लूं, देखिए जैसे, देखिए जैसे ये लिया, अगर मैं यहां पर x का मान, यहां पर ये 3 है, मैं यहां पर अगर 1 रख दूं, x का मान अगर 1 रख रहा हूं, ठीक ना, तो 2 एकम 2, ये पक्षांतर जाएगा, तो ये आ गया हमको ये 4 आ गया, ठीक ना। तो x का मान 1 और y का मान 4, देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक ना, 1 और ये 4 आ रहा है, ठीक ना। और अगर मैं यहाँ पर x का मान 2 रखूँ तो 2 दूनी 4, 4 पक्षांतर हुआ, तो ये हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये 2 2 आ गया हमको, ठीक ना, तो ये 2 2 आ गया, ठीक ना। तो देखिए इस रेखा पर हमने, देखिए इस रेखा पर जितने भी बिंदु आ रहे हैं वो सभी इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार जो भी हमको सेट मिल रहा है ये, ठीक ना, इसी को बोलते हैं, ये सब इसके इस समीकरण के हल हैं, ठीक ना। तो सभी संभावित हल हमको इस प्रकार प्राप्त हुए। अब देखिए, ये हमने समीकरण के ग्राफीय निरूपण देख लिया, ठीक ना, इसका एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब हम देखिए एक असमीका लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए अब हम एक समीका को लेना शुरू करते हैं। अब देखिए इसको हम इसको हल करेंगे, 2x + y < 6, ठीक ना, ये एक असमीका है। अगर हम इसको हल करना चाहें तो देखिए, किसी भी असमीका को हल करने के लिए हम इसको पहले एक समीकरण के रूप में बदलते हैं, ठीक ना। तो 2x + y = 6 कर लिया हम, तो इसमें देखेंगे हम x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं, जिसे हल बोलेंगे हम लोग, x और y। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार x का मान 0 रख लेंगे तो हमको उसके सापेक्ष में y का मान ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार y का मान 0 रखेंगे तो उसके सापेक्ष में x का मान हमको ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए, किसी भी ग्राफ को दिखाने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु की ज़रूरत होती है, ठीक ना। उसके आगे आप 3 निकालिए, 4 निकालिए, मगर 2 से भी हमारा रेखा बन सकता है, ठीक ना, कोई भी ग्राफ खींचा जा सकता है। तो इसलिए हम कम से कम 2 बिंदु लेंगे। और उसमें देखिए, अगर हम जैसे x का मान अगर 0 रखें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो y का मान 6 आ गया, ठीक ना। इसी प्रकार अगर y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 2 नीचे पक्षांतर होगा तो x का मान ये 3 प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो बहुत सरल तरीके से x का मान 0 और y का मान 0 रखने से 2 बिंदु या 2 बिंदु के निर्देशांक हमको प्राप्त हो जाता है, और हम सीधा रेखा एक खींच लेंगे, ठीक ना। अब देखिए, इसमें तो हमारा 0 रखने पर संख्या प्राप्त हो गई, मगर या क्या ना, कभी कभी अगर 0 रखने पर भी, जैसे x का मान 0 रखे तो हम y का मान भी कुछ डिफिकल्ट टाइप का आता है, ठीक ना। तो इसलिए मतलब बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा x का मान 0 और y का मान 0 ही रख के हम मान ज्ञात कर लें, मगर ज़्यादातर केस में x का मान 0 y का मान 0 रखने से हमको 2 बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए, हमको ये प्राप्त हो गया है, अब हम इसमें इसके ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए, ग्राफ इस प्रकार खींचा जाएगा, तो ये देखिए ग्राफ खींच रहे हैं हम लोग, यह है x अक्ष, x डैश, यह है y अक्ष, ठीक ना। तो इसमें चाहिए x का मान 6 तक चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3 4 5, इधर माइनस में ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए, पहले को अगर दिखाएंगे, x का मान 0 है, y का मान 6 है, तो ये हमको ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा, ये होता है 0 और 6 पर। इसी प्रकार ये x का मान 3 और 0, तो ये जगह 3 0 ये आ गया,
ठीक ना। और इसको अगर हम मिला दें, इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे, ठीक ना, ये देखिए ये प्राप्त हो गया हमको, ठीक ना। तो हमको इस रेखा का ये लाइन प्राप्त हुआ है, ठीक ना, इस समीकरण का ये एक रेखा हमको प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब देखिए 2x प्लस वाई बराबर ये 6 है, ठीक ना। अब देखिए जैसे कि इसमें हमने किसी भी बोला कि कोई भी 6 ऊर्ध्वाधर रेखा हो या ऊर्ध्वाधर नहीं रेखा हो, किसी भी तल पर अगर किसी रेखा को खींचा जाए तो तल को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो इसमें देखिए इस पूरे तल को देखिए तो इस रेखा ने दो भागों में बांटा है, तो इस वाले को बोलेंगे निचला अर्धतल, ये ऊपरी अर्धतल हुआ, ठीक ना, निचला और ऊपरी अर्धतल। अब देखिए ये हमको टू एक्स प्लस वाई बराबर 6 नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, 6 नहीं दिया है। हम इसको बस इस रेखा को प्राप्त करने के लिए बराबर 0 बराबर 6 किए थे। देखिए हमको ये मेन ये दिया हुआ है, ठीक ना, ये एक असमिका दिया हुआ है, ठीक। तो अब देखिए इस असमिका में, देखिए किसी भी असमिका का जब हमको ग्राफी हल करेंगे तो ग्राफी हल में देखिए क्या होता है कि कोई रेखा नहीं प्राप्त होती है, ठीक ना। देखिए इसमें क्या होगा, एक क्षेत्र प्राप्त होगा हमको। तो 2x प्लस वाई लेस देन 6 है तो हमको देखिए इस या तो इधर वाला आंसर होगा या तो उधर वाला आंसर होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर किसी समीकरण रैखिक समीकरण है तो हमको कोई एक रेखा प्राप्त होगी समीकरण का हल, ठीक ना। और कोई अगर असमिका दे रखी हो तो हमको कोई तल प्राप्त होता है, ठीक ना। तो ये इस प्रकार का ये निचला अर्धतल होगा या तो ऊपरी अर्धतल होगा, ठीक ना। तो इसमें कोई क्षेत्र प्राप्त होता है हमको, तो ये हमको क्षेत्र प्राप्त होता है ना, रीजन प्राप्त होता है। और अगर इसको अब हल करें तो इसका हमको एक रेखा प्राप्त होती है, ठीक ना, रेखा ये लाइन हमको प्राप्त होती है ना, इसका हल हमको एक रेखा प्राप्त होगी। और असमीका को भी हल करेंगे तो हमको क्षेत्र प्राप्त होगा, ठीक। अब देखिए हमको ये डिसाइड करना है कि क्षेत्र इधर का रहेगा या उधर का रहेगा। तो इसको सिंपल सा चेक करने के लिए हम चाहें तो इस रेखा के इस तरफ जो भी बिंदु आ रहे हैं उसका हम मान निर्देशांक को रख लें, इस पर x और y का मान रख लेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलेंगे कि इस तरफ का तल है, ठीक ना। और अगर इस तरफ का कोई बिंदु रख के देखें, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो हम समझ लेंगे कि ये वाला छायांकित भाग मतलब ये ऊपरी अर्धतल इस असमिका का क्षेत्र होगा या हल होगा, ठीक ना। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम अगर इस रेखा की बात करें तो देखिए इस रेखा पर देखिए हम मान लिया यही बिंदु ले लेते हैं, ठीक ना, ये ले लिया 3 0 रख के देखते हैं, मतलब 3 0 का मतलब हुआ x का मान 3 और y का मान 0 हम रख के देखते हैं इस असमिका पर, ठीक ना। तो देखिए क्या आएगा, x का मान 3 है प्लस y का मान 0 लेस देन 6। अब इसको हल करेंगे तो 3 × 6 लेस देन 6, देखिए कोई भी 6 से छोटी तो नहीं हो सकती, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस असमिका का हल ये रेखा नहीं होगी, मतलब इस रेखा पर जो भी बिंदु हैं वो इस असमिका को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब हमको इसमें कोई एक रेखा ये वाली रेखा प्राप्त नहीं होगी। तो क्या करेंगे, जो हमको प्राप्त नहीं होगा तो हम इसको सीधी रेखा नहीं, हम इसको कटी कटी रेखा बनाएंगे, ठीक ना, मतलब ये हल नहीं है इसका, ठीक। तो ये हो गया, अब हम डिसाइड करें। अब देखिए इधर का कोई एक बिंदु लेकर देखते हैं, तो ये सबसे अच्छा बिंदु ये 0 0 ही होता है, 0 0 रख के देख लेते हैं इसमें। तो हम रखेंगे x का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे। तो देखिए रखेंगे 2 × 0 प्लस 0 लेस देन 6, इसका मान पूरा 0 लेस देन 6, मतलब बोला है 0 6 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि जो हमको निचला अर्धतल ये है वो इस असमिका का क्षेत्र है, ठीक ना। अब देखिए अगर मैं इधर का कोई एक बिंदु लेके आपको दिखाता हूँ कि कोई भी अगर इधर का मैं बिंदु ले लेता हूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 0 ही रख लेता हूँ, ये 4 0 है ये, तो अगर मैं 4 0 ये लेता हूँ, ठीक ना, तो मतलब x का मान 4 और y का मान ये 0 है, ठीक ना। तो मैं यहाँ रख के देख लेता हूँ इसमें, तो देखिए 2 × 4 प्लस 0 लेस देन 6, इसको हल करेंगे तो 8 लेस देन 6, देखिए आ रहा है 8 बोल रहा है 6 से छोटा है, जो सत्य नहीं है,
ठीक ना। तो इसका मतलब इधर का कोई भी बिंदु मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मतलब वो वाला तल इसका उत्तर नहीं है, ठीक ना। तो इसका उत्तर ये हुआ। तो हम इधर का ऐसे इसको छायांकित करेंगे इस प्रकार, ठीक ना। तो ये इसका हल प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो देखिए ये रेखा भी नहीं है, ठीक ना। बस हमको इस तल को बांटने के लिए हमको पहले इसको बराबर करके हम एक रेखा प्राप्त कर लिए। अब पता चला इस रेखा के इस तरफ या उस तरफ का कोई भी एक तल तो इसका हल होगा ही। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ लेस देन 6 लिया हूँ तो हमको ये क्षेत्र मिला, ठीक ना। अगर मैं इस तरह अलग इसको ग्रेटर देन 6 अगर कर लूँ, ठीक ना। तो देखिए इस प्रकार करते हैं, अगर मैं इसी को लिखूँ 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 कर लूँ, ठीक ना। तो इसके लिए भी हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2x प्लस वाई बराबर 6 करेंगे, तो जिससे हमको यही प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। चीज़ वही लिखी हुई है तो हमको यही ग्राफ मिलेगा, ठीक ना। तो हम इसको यहीं पर एक ग्राफ दिखा लेते हैं। ये हो गया, जह कम है इसलिए थोड़ा छोटा ग्राफ बना दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। x अक्ष हो गया ये, और ये y अक्ष हो गया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसका देखिए क्या है, 0 6 है यहाँ से और वो 0 3, तो यहाँ से, ठीक ना। ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए ये इसकी मदद से हमने ये रेखा खींच दिया, ठीक। अब देखिए ये है असमीका। असमीका का मतलब ये रेखा का, ये इस समीका का हल ये रेखा तो नहीं है, ठीक ना। इसलिए हम इस रेखा को इस प्रकार दर्शा दे रहे हैं, ठीक ना। मतलब इसका ये मान नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए चाहे हम इधर का कोई मान रख के देख लें, चाहे इधर का मान रख के देख लें। अगर मैं यहाँ पे 0 0 रख के देखता हूँ यहाँ पर, तो देखिए अगर यहाँ पे 0 0 रखूँ मैं, तो x का मान 0 और y का मान 0 रख रहा हूँ इसमें, तो 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन 6। तो इसका मतलब ये पूरा 0 > 6, मतलब बोल रहा है 0 6 से बड़ा है, जो असत्य है। मतलब इधर वाला का छायांकित भाग इस तरह का क्षेत्र हल नहीं होगा, ये इस प्रकार बनेगा, इधर का होगा, ठीक ना। तो ये इसका उत्तर आया, ठीक। ये हो गया। अगर मैं देखिए इसी को मैं लिखूं 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6 कर दूं मैं, ठीक ना, लेस देन और इक्वल टू 6 कर दूं, तो इसका मतलब देखिए दो कंडीशन मिलता है। देखिए जैसे पहला हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 6 है और 2x प्लस वाई लेस देन 6 है, ठीक ना। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए एक पूरी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी हमको, और इस असमीका से ये क्षेत्र प्राप्त होगा। देखिए ये वाला हमने ये क्षेत्र बनाया था, ठीक ना, और ये रेखा एक समीकरण ये भी दिया है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये कटे काटा लाइन नहीं रहेगा, अब ये पूरी एक सीधी रेखा रहेगी, ठीक ना। तो इसका ग्राफ इस प्रकार बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार जब बनेगा तो ये पूरा ऐसे रहेगा, है ना, कटी कटी नहीं रहेगी, ये ऐसे बनेगा इसका, ठीक। ये हो गया आपका 3 0 और ये हो गया 0 6, ठीक ना। तो देखिए ये इस प्रकार का बन जाता है। अगर यही चीज देखिए 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होता तो ये वाला भी हमको क्षेत्र मिलता, मगर ये पूरा सीधी लाइन होता, ठीक ना। तो देखिए इस प्रकार, देखिए ये जो होता है, ये दो होता है, इसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वलिटी, ठीक ना। इंट्रोडक्शन में हमने इसको बताया है, स्लैक इनइक्वलिटी कहलाता है। और जब इस प्रकार का रहता है, देखिए ये दोनों हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, ठीक ना। इसको सुनिश्चित बोलते हैं, सुनिश्चित असमीका या असमीकाएं, ठीक ना। तो जब कभी भी सुनिश्चित असमीका रहेगी तब हमको ये रेखा नहीं मिलेगी, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको इसको हमेशा कटा कटा करना पड़ेगा, ये भी देखिए किया है,
तो ये हो गया सुनिश्चित असमिका, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी के लिए हमेशा इस प्रकार का डायग्राम बनेगा हमको, और जब कभी सिलेक्ट इनइक्वलिटी आएगी तो हमको ये रेखा भी शामिल किया करना होगा, ठीक ना। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो इसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले किस कोई एग्जाम्पल करने के पहले पहले हमने देखिए जो हमने आपको अभी पढ़ाया उसको हम एक समरी के रूप में हम आपको एक बार एक एक्सप्लेन फिर करते हैं। देखिए यदि 2x + y बराबर 6 हो, ठीक ना, तो ये एक रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण का एक जिसका जो हल आता है ग्राफिकल हल एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, ठीक ना। तो ये हमने सीधी रेखा हमने दिखा दिया। अब देखिए अगर इस प्रकार हो 2x + y < 6 हो या 2x + y > 6 हो, तो इस प्रकार ये असमीका कहलाती है, और असमीका में भी स्ट्रिक्ट ये स्ट्रिक्ट असमीका कहलाती है, ठीक ना। तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। इसमें देखिए क्या होगा, हमने बोला कि कभी असमीका के लिए कोई जो हल होता है तो वो एक क्षेत्र होता है, ठीक ना। तो क्षेत्र क्या होता है, या तो निचला अर्धतल होगा या ऊपरी अर्धतल होगा, ठीक ना, या बायां अर्धतल या दायां अर्धतल, इस प्रकार का हमको क्षेत्र प्राप्त होता है, ठीक ना। तो जब लेस देन है ना, लेस देन इस प्रकार का स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो हमको ये रेखा नहीं प्राप्त होगी, हमको ये क्षेत्र प्राप्त होगा, ठीक ना। इसलिए इस रेखा को हमने कटा कटा लिखा हुआ है, ठीक ना, कटी कटी लाइन से हमने इसको दिखाया है। इसी प्रकार ये है तो इसका ये वाला क्षेत्र ऊपरी अर्धतल हमको ये हमारा हल हुआ है, और ये रेखा भी शामिल नहीं है इसके अंदर, अगर इसलिए हमने इसको कटे कटे में दिखाया है। अब देखिए जब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का केस आए, इसको सिलेक्ट इनइक्वलिटी बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें हम इस रेखा को भी शामिल करते हैं, ठीक ना। इक्वल टू भी 6 है, इसलिए हम इसको पूरा बिना कटे लाइन सीधे लाइन से दिखाया है, और ये क्षेत्र होगा, मतलब इस रेखा से इस निचला अर्धतल पूरा हमारा हल होगा। इसी प्रकार इसमें ऊपरी अर्धतल हमारा हल होगा इस रेखा के साथ, ठीक ना। तो अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए ये एक उदाहरण है, इसको देखिए समझते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले अगर ये इसको हम क्या करेंगे हल करने के लिए, 3x + 2y = 6 करेंगे, ठीक ना, जिससे हमको एक रेखा जो है वो हमको प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार हम बराबर 6 करके समीकरण ज्ञात कर लिए, अब समीकरण को हम हल करेंगे, इसके मान ज्ञात करते हैं x और y के। तो देखिए इसमें हम पहले x बराबर 0 करेंगे और एक y बराबर 0 करेंगे, ठीक ना, हमको दो बिंदु प्राप्त हो जाएगा जिससे हम एक रेखा खींच सकते हैं। यदि मैं x बराबर 0 करूं, तो देखिए x बराबर अगर मैं 0 करूं, तो देखिए इसमें जाएगा 3 × 0 + 2y = 6। तो ये 0 हो गया, ये आया 2y = 6, मतलब y बराबर ये 3 प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब अगर मैं y बराबर 0 करूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x + 2 × 0 = 6। तो ये हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा बराबर 6, तो x का मान ये 2 प्राप्त हो गया। तो हमको ये 2 प्राप्त हो गया। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए ये ग्राफ है, जीरो ये x अक्ष, ये y अक्ष, x' ये y', ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। अगर हम इसको दिखाएं तो ये हो गया 0 और 3, यहाँ जाएगा हमारा, ये हो गया 0 और ये 3 हो गया, फिर ये 2 0, ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो जगह 2 और 0, ठीक ना। इसको मिला लेते हैं, ये हो गया, ठीक ना। अब चूंकि देखिए असमीका है ये, ठीक ना, समीकरण नहीं है असमीका है, तो हम इसको पहले तो इसको कटी कटी लाइन में लिख लेते हैं, ठीक ना, ये हो गया, ठीक ना, बराबर भी बराबर बड़ा है और बराबर ही होता तो हमको सीधी लाइन नीचे होते, ठीक। अब देखिए हमको कौन सा क्षेत्र प्राप्त होगा, ऊपरी अर्धतल या निचला अर्धतल, इसके लिए हम इसका एक इधर से रख के कोई एक बिंदु मतलब निर्देशांक रख लेते हैं किसी बिंदु का। तो अगर हम यहाँ अगर इधर का ज्ञात करना हो तो हम 0 0 रख लेते हैं, देखिए क्या आता है,
ये 0 0 का मान अगर संतुष्ट करेगा तो हमको ये वाला तल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 रखते हैं हम इसमें। देखिए 3 × 0 और 2 × 0 ग्रेटर देन 6। देखिए पूरा 0 हो गया, ग्रेटर देन 6 आ रहा है। इसका मतलब बोल रहा है कि 2 6 से बड़ा है, जो बिल्कुल गलत है, ठीक ना। तो मतलब ये वाला हमको ये तल हमारा ये हल नहीं होगा, हमको ये उधर वाला होगा। तो हम इसको इस प्रकार छायांकित करेंगे। ठीक ना, तो ये हमारा ग्राफिकल हल हो गया, इस असमीका को हमने हल किया, ठीक ना। तो अब देखिए प्रश्नावली 6.2 का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 6.2 का प्रश्नावली करेंगे। तो प्रश्नावली 6.2 अब देखेंगे।